अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास एंड दिस इज़ योर लेक्चर नंबर सेवन कंप्यूटर साइंस। हमने प्रीवियस लेक्चर में जो टॉपिक पढ़े थे उसमें वर्ड आर्ट था, पेज ओरिएंटेशन थी और पेज मार्जिन थे। अब हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं वो है पैराग्राफ स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग, इंसर्टिंग सिम्बल्स, अप्लाइंग शेडो इफेक्ट्स एंड चेंजिंग द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट द पैराग्राफ स्पेसिंग। हमने पैराग्राफ स्पेसिंग कैसे करनी है, ये टू पैराग्राफ्स हमारे पास मौजूद हैं। हमने क्या करना है, अपना ये पैराग्राफ सेलेक्ट कर लें आप। पैराग्राफ सेलेक्ट करने के बाद हम अपने टैब्स में से इंसर्ट टैब में जाएंगे, इंसर्ट टैब में चले गए, सॉरी पेज लेआउट में जाएंगे, पेज लेआउट में चले गए। ये देखें हमारे पास ये स्पेसिंग का ऑप्शन आ गया। स्पेसिंग के ऑप्शन में आप जाएँ, ये देखें पैराग्राफ नीचे जा रहा है, ये पैराग्राफ ऊपर जा रहा था, ये ऑटो हो गया। ठीक है, इसी तरह से ये कम ज़्यादा आप लोग इसको कर सकते हैं। ये देखें नीचे वाला पैराग्राफ कैसे नीचे जा रहा है। ठीक है, इस तरह से आप अपनी पैराग्राफ स्पेसिंग कर सकते हैं, बहुत इजी है। पेज लेआउट में जाना है और ये स्पेसिंग में जाकर आपने टू पैराग्राफ्स के दरमियान इस तरह से स्पेस आप ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट वन देखें, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सेट लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग के लिए क्या करेंगे, हम इसी तरह से ये सिलेक्ट करेंगे और अपने इंसर्ट टैब में चले जाएंगे। यहाँ पर ये इंसर्ट टैब में गए, सॉरी होम में जाएंगे। होम में गए तो ये देखिए हमारे पास एक ऑप्शन आएगा इस तरह से, ऊपर नीचे टू एरोज बने होंगे और ये देखें लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन दे रहा है। इसको आप ओपन करें, ये देखें इसको हम सिलेक्ट करें, ये देखें सब लाइन्स में कितनी स्पेस आ गई है। ठीक है, ये देखें स्पेस कम हो गई है, ये देखें स्पेस आ रही है। इसी तरह से हम लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस में ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ भी और ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ भी कर सकते हैं। ये देखें पैराग्राफ के बाद स्पेस आ गई, इस तरह से हम जो है स्पेसिंग कर सकते हैं और बिल्कुल ख़त्म भी कर सकते हैं। ये देखें ये स्पेस ख़त्म हो गई। जस्ट क्या है, होम टैब में जाना है आपने, इस ऑप्शन में जाना है और आपने पैराग्राफ्स की स्पेसिंग जो है वो सेट कर लेनी है, टू ऑप्शन है। अब थर्ड वन चीज़ जो हमारे पास आती है हमारे बुक के टॉपिक के अकॉर्डिंग वो है एडिंग द सिम्बल्स। उसके लिए आप क्या करेंगे, ये देखिए इंसर्ट टैब में जाएंगे, इंसर्ट में जब आप जाएंगे तो ये आपके को यहाँ पे सिंबल्स का ऑप्शन मिलेगा। ये देखिए डिफरेंट सिंबल्स आ गए, आपने अगर ज़्यादा सिंबल्स देखने तो आप मोर सिंबल्स करेंगे तो आपके पास ये सारे सिंबल्स ओपन हो जाएंगे। इनको जब आपने ओपन किया तो आप देख लें आपने कौन सा सिंबल ऐड करना है। हम ये वाला पॉन्ड का सिंबल ऐड करते हैं, इसको सिलेक्ट करके आप इंसर्ट कर दें, इंसर्ट किया क्रॉस किया, ये देखें ये हमारे पास टू टाइम्स मैंने किया था तो टू टाइम्स ऐड हो गए। ठीक है जी, समझ आया आपको। इस तरह देखें मैंने यहाँ पर टू थ्री सिंबल्स आपको दिखाने के लिए ऐड किए हुए हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन देखें हम, नेक्स्ट वन है हमारे पास हाउ टू ऐड सिंबल्स हो गया। अब हमने शेडो इफेक्ट्स जो है वो अप्लाई करने हैं। सबसे पहले नीचे जाते हैं, हमको शेप जो है वो ऐड कर लेते हैं। ये देखें इंसर्ट टैब के अंदर ही हमारे पास शेप्स का ऑप्शन मौजूद है, जो हमने पेज खोला हुआ है ना उसी में, ये देखें शेप्स का ऑप्शन मौजूद है। शेप्स खोलें, इसमें से कोई भी शेप, ये देखें ढेरों ढेर है, न्यू ड्राइंग कैनवस, ये भी सारी इसको ओपन करेंगे और ज़्यादा शेप्स आ जाएंगी। आपको क्लियर दिखाने के लिए मैं यहाँ पे सिंपल शेप लूँगी, ये देखें स्क्वायर ले लिया मैंने। जब मैंने ये स्क्वायर लिया तो ये ऊपर वाला टोटली चेंज हो गया, ये देखें, क्योंकि अब शेप की सेटिंग जो है ना उसका ऑप्शन ओपन हो गया। शेप जो है हमने ऐड की, अब हमारा ये क्लिक ऑन फॉर्मेट टैब, फॉर्मेट टैब हमारा ओपन हो चुका है। शेप्स इफेक्ट में जाएंगे, अब शेप्स इफेक्ट्स में ले जाएँ, शेडो इफेक्ट्स में चले जाएं, शेप स्टाइल में चले जाएं, तो ये एक ही चीज़ आती है। ये देखें शेप स्टाइल, ये देखें मैं डिफरेंट कर रही हूँ तो ये शेप्स के स्टाइल्स आ रहे हैं, ये देखें। ठीक है, ये देखें डॉटेड फॉर्म में आ गया और ये देखें ये इसमें आ गया। ठीक है, ये फील्ड में था, ये डॉटेड में था, ये लाइन में था, ये देखें डबल लाइनिंग में आ गया। ये देखें इस तरह से, इस तरह इसमें बहुत डिफरेंट से ऑप्शंस होंगे, आपको जिसमें लेना है आप ले लें। चलें हम इसमें लेते हैं। ओके, ये हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, शेप ऐड कर लिया अब हमने, तो हम अब इनके शेडोज जो है वो जो है हम इसमें ऐड करेंगे। ये देखें ये ऑप्शन आएगा शेडो इफेक्ट्स का, इसमें जाएँ और ये जब आप शेडोज़ पर रखेंगे ना, ये देखें आपको डिफरेंट टाइप के शेडोज़ शो होना शुरू हो जाएंगे। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें फ्रंट पे शेडो, ये देखें, ये देखें लॉन्ग शेडो, ये देखें डबल शेडो, ये देखें ये डिफरेंट शेडोज़ आ जाएंगे। ठीक है, हम ये वाला शेडो सिलेक्ट कर लेते हैं, ये हो गया।
अब अगर हम इसी शेप को, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाउ टू अप्लाई 3D इफेक्ट, क्या कि हमने शेप ऐड की है इंसर्ट में से जाके, फिर यहाँ से हमने शेप का स्टाइल चेंज किया और यहाँ से शेप का शेडो दे दिया शेप को, ठीक है। अब हमने इसको अगर 3D इफेक्ट देना हो तो ये देखें 3D इफेक्ट का ऑप्शन है, आप इसको ओपन करें। अब आप जिस पे करते जाएंगे ना, ये देखें 3D लुक में आ गया, आ रहा है ना 3D लुक में, ये देखें, ये देखें आ गया। तो हम ऐसा करते हैं यहाँ पे ये वाला 3D इफेक्ट देते हैं, होता है ना इस तरह का 3D इफेक्ट। अब देखिए 3D इफेक्ट में जाकर आप 3D कलर भी कर सकते हैं, ये यहाँ पे आपको कलर बॉक्स शो होगा, जब आप कलर बॉक्स में उसको करेंगे ना, किस कहीं पे भी एरो रखेंगे तो ये देखें आपका जो है वो कलर्स चेंज होते जाएंगे, ये देखें, ये देखें मैंने कलर भी चेंज कर दिया, जबकि ये आपकी बुक में नहीं, लेकिन मैंने आपको फिर कलर का भी बता दिया। वही 3D इफेक्ट्स में जाकर ये नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं, लाइटिंग भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ये देखें, ये देखें लाइटिंग कम ज़्यादा हो रहा है ना इसमें, ये देखें ये डार्क हो गया, लाइट हो गया, इस तरह इसमें डिफरेंट ऑप्शन है। सर्फेस में आप चले जाएँ, ये देखें मैट है, प्लास्टिक है, मेटेलिक है, इस तरह इसमें बहुत से ऑप्शन होते हैं, आप इसको अपनी जो इमेज है उसको 3D इफेक्ट दे सकते हैं, ठीक है जी। इसको जब तक आप प्रैक्टिकली नहीं करेंगे आपको कुछ समझ नहीं आएगा, आपने इसको प्रैक्टिकल करना है एज इट इज़, ओके। नेक्स्ट देखें हाउ टू चेंज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और इमेज, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हाउ टू चेंज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और इमेज, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास, हम एक इमेज ऐड करते हैं, इंसर्ट में गए, मैं पिक्चर में जाऊँगी क्योंकि मैंने कोई भी पिक्चर ऐड करनी है, इंसर्ट टैब में जाएं पिक्चर, ये देखें मेरे कंप्यूटर में जो पिक्चर्स पड़ी हैं वो ओपन हो गई, मैं यहाँ से ये ले लेती हूँ, ठीक है, इसको मैंने इंसर्ट किया, ये देखें यहाँ पर ये इंसर्ट हो गया। अब मैंने इसकी पोजीशन चेंज करनी है, तो इसको मैं क्या करूँगी, इसके लिए ये देखें फॉर्मेट टैब बहुत ओपन हो गया, हमें ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, बुक पर उन्होंने दिया हुआ है, ये फॉर्मेट टैब ओपन हुआ, फॉर्मेट टैब में आप जाएँ, ये देखें ये पोजिशन का ऑप्शन आ गया, जब हम पोजिशन को क्लिक करेंगे तो ये देखें ये ज़ीरो कहाँ गया, ये देखें ओ ऊपर चला गया, ये देखें स्टार्टिंग पे, ये दरमियान में, ये देखें ओ इस तरफ, ये नीचे, ये देखें, ये देखें, हम इस तरह से इसकी कहीं पे भी, ये बहुत नीचे चला गया, ठीक है, कर सकते हैं, ये ऊपर आ गया, ये देखें किसी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के दरमियान में आ गया, जैसे कि आपकी बुक के दरमियान, इसी तरह से राइटिंग के दरमियान में इसको पुट किया गया, ठीक है। तो ये देखें ये इस तरह से आप इसकी स्पेस प्लेस चेंज कर सकते हैं, जब आपने कोई इमेज वगैरह ऐड की है उसको आपने कहीं और सेट करना है तो आपको उसको सेट करने के लिए क्या करेंगे, इमेज ऐड करेंगे तो फॉर्मेट टैब ओपन होगा, फॉर्मेट टैब में जाके पोजीशन में जाएंगे और पोजीशन में जाकर हम इसको इस तरह से ऐड कर लेंगे, ठीक है। ये देखें मैं ये वाला करूँगी दरमियान में दोनों पैराग्राफ्स के, तो ये मेरा यहाँ पर सेट हो गया। बस इस तरह से हम इमेज की पोजीशन को आगे पीछे कर सकते हैं, ऊपर नीचे इजीली कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपका होमवर्क क्या है, आपका होमवर्क यही है कि आपने अपने इस लेक्चर को प्रैक्टिकल करना है, प्रैक्टिकल करके खुद देखना है, आपकी बुक के अंदर जो स्टेप बाय स्टेप उन्होंने दिया है आपने जस्ट उसको फॉलो करना है, जिसके लिए आप ये देखिए। अगर मैं आपको 3D इफेक्ट वाला दिखाऊं तो ये देखिए, नंबर वन पे क्लिक टू सिलेक्टेड, पहले सिलेक्ट करेंगे, फिर नंबर टू पे क्लिक हेयर, ये देखिए उन्होंने एरो दिया होगा आपको, फिर नंबर थ्री पे क्लिक 3D इफेक्ट्स, ये भी उन्होंने आपको एरो दे के बना दिया किसको, नंबर फोर चूज़ द स्टाइल। आपने जस्ट इन इंस्ट्रक्शंस को भी अगर फॉलो कर लें थॉरोली रीडिंग के अलावा, तो आप इजीली ये सारा प्रैक्टिकल खुद ही घर में बैठकर कर सकते हैं। आज ही आपका चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो गया है और आपने इस पूरे चैप्टर की इसी तरह से प्रैक्टिस करनी है घर में। मैंने आपको इस चैप्टर में से शॉर्ट क्वेश्चंस नहीं दिए जो कि मैं आपको एक्सरसाइज में दूंगी, ओके स्टूडेंट्स। आपने प्रैक्टिकली इस चैप्टर को कंप्लीट लर्न करना है, आपको पता हो कि किस तरह से हम पेज ओरिएंटेशन सेट करते हैं, मार्जिन सेट करते हैं, 3D इफेक्ट्स कैसे सेट कर सकते हैं, कोई भी इमेज अगर हमने ऐड किया उसको हम किस तरह से इधर उधर सेट कर सकते हैं, ये सारा आपने प्रैक्टिकल करना है, ओके स्टूडेंट्स। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।